हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 28 सितंबर, वार शुक्रवार। अभी वो लोग आप सब तक एक दो दिन लेट ही पहुँच रही हैं, क्योंकि तबीयत की वजह से काम थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पैरों में सुबह उठी तब इतना ज़्यादा दर्द था कि एक एक काम करना मुश्किल हो रखा था। तो आज तो अभी तक मेरा बस झाड़ू का ही काम चल रहा है, वो भी बैठते उठते। तो माँ का नाना धोना हो गया था और ये भी अपने घर के कामों में लगे हुए हैं। और तबीयत का तो मेरा कुछ ऐसा चल रहा है कि एक दिन तो ऐसा लगता है अभी बिल्कुल ठीक हूँ, अगले दिन सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आज बिल्कुल ही तबीयत ठीक नहीं है। जैसे कल तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और आज सुबह उठे तो पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था कि काम करना ही मुश्किल हो रखा है। तो बस आज तो सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा काम निपटाया है, तब जाकर कहीं अभी तक ये जो घर का थोड़ा बहुत काम है वो हो पाया है। वैसे ये बात डॉक्टर ने पहले ही बता दी थी कि दवाई लेने के बाद भी एक दिन हो सकता है बुखार आ जाए और कमजोरी तो दो चार दिन रहेगी। पर क्या करें, घर के काम करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सब मिलकर कर लेते हैं ना। फिर भी हम जब तक उठकर काम नहीं करते तब तक हमारे मन में ये रहता है कि ये अच्छे से नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं। तो बस बच्चे तो सुबह जल्दी थोड़ा स्कूल चले गए थे। ये है कि वैसे नॉर्मली स्कूल जाते हैं तब तो फिर भी कभी कभार हम स्कूल की छुट्टी करवा लेते हैं। और वैसे भी मेरी तो आदत है, जहाँ तक मेरी क्या हर लेडीज़ की यही आदत होती है कि जहाँ तक हमसे चल पड़ता है हम चलाने की कोशिश ही करते हैं। तो बस अभी काम मेरा लगभग सारा निपट गया था तो मैं थोड़ी सी देर के लिए बैठ गई थी। और वैसे भी जब भी हम बातें करने लगते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अभी रितिका आ गई थी स्कूल से, खाना तो बना ही नहीं था, टाइम लगभग 11:30 बज गए हैं। तो आते ही रितिका ने झटपट आटा लगा दिया और जो थोड़ा बहुत घर का काम बचा हुआ था ना, वो रितिका के आने के बाद इसने ही किया था। और वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो फुआड़वाजे। तो जैसे कि काम तो चाहे कोई भी कर लेता है, घर का चलाने को बोलते हैं, एक बार कई बार कोई बात हो जाती है कि इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है क्या, औरतें ही घर को अच्छे से संभाल सकती हैं। पर जो जिसका काम है ना, वो वही ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। जैसे कि अभी रितिका आ गई है तो आटा वगैरह गूंथना और जो भी थोड़ा बहुत काम था ना, वो झटपट सारा निपटा लिया है। और बेटियों का तो आप सबको पता ही है कि कब बड़ी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए मैं हमेशा थोड़ा बहुत काम बच्चों से ज़रूर करवाती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता कब हमें ज़रूरत पड़ जाए। कभी कभार ऐसी मुसीबत आ जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें सारा काम करवाना पड़ता है। और देखिए, घर का हो, बाहर का हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, बच्चे हों या हम खुद, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर काम को सीख सकें, क्योंकि सीखा हुआ काम ज़िंदगी में कभी भी काम आ सकता है। और औरत के मामले में तो हम चाहे ज़िंदगी में कितने भी आगे निकल जाएं, घर तो हमें संभालना ही है। कुकिंग के मामले में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि खाना वाना या फिर घर के काम हमें ना करने पड़े। एक बार को चाहे बाकी के घर के काम छूट जाएं, लेकिन खाने के और किचन के जो काम है ना, छोटे मोटे, वो सब तो हमें करने ही रहते हैं, चाहे हम नौकरी करें या कुछ भी करें, ये काम हमारा कभी भी नहीं छूट सकता। तो जी, कल परसों मैंने पनीर बनाया था और इस बार हमारा पनीर थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और पनीर के पीस कट करना तो हमारे घर में सबको ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अभी मैंने ये झटपट से ग्रेवी तैयार कर ली है। पनीर की सब्जी तो लगभग हमारे घर में बनती ही रहती है, घर का दूध है तो देखिए ये फ़ायदा तो है ही, जब भी मन करता है बना लेते हैं। तो बस पनीर को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था और ये फ्रोजन मटर बस अभी लेकर ही आए हैं। पहले हमारी तैयारी चल रही थी अकेला पनीर बनाने की, पर फिर मैंने सोचा कि अभी तबीयत भी ऐसी चल रही है तो दोनों टाइम का काम चल जाए, इतनी सब्जी बना लेते हैं। अकेले पनीर की बनाएंगे तो थोड़ी सी ही बनेगी और मटर पनीर की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो बस अभी सब्जी छूक दी हो और एक तरफ तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। टाइम लगभग 12:30 बज गए हैं और सबको बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। और बस इधर मैंने खाना वाना बनाकर तैयार किया है, तब तक रितिका ने दही में थोड़े से मिर्च मसाले डालकर सिंपल सा रायता बना लिया है। बनाने का तो वैसे रोटियां भी बना लेती, लेकिन इसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने सोचा चलो मैं निपटवा देती हूँ। वैसे भी देखिए पढ़ाई भी करनी है, पेपर चल रही हैं और घर के भी छोटे मोटे करके काफ़ी सारे काम आ जाते हैं, काम हो जाते हैं। हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा, क्योंकि पूरा दिन घर को तो हम ही संभालते हैं।
तो हमें तो पता ही है कि घर में कितने सारे काम होते हैं, अकेले तो सब कुछ संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमें तो फिर भी आदत है। तो बस अभी हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है और सब्जी आज बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है खाने में। कभी कभी ऐसा होता है कि भागम भाग में हम ऐसे ही कोई सब्जी बनाते हैं और वो भी ज़्यादा अच्छी बन जाती है, और कभी कभी बड़ा मन लगा कर खाना बनाते हैं तब भी इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है। बाकी भूख की भी बात होती है, जिस दिन हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और काम करते हैं ना, तब तो खाने का एक अलग ही आनंद होता है। तो बस अभी बच्चों ने और सब ने साथ साथ खाना खा लिया है और उसके बाद फिर रितिका की तैयारी शुरू हो गई है केक बनाने की। टाइम तो वैसे लगभग अभी 3:30 बज गए हैं, चाय का टाइम हो गया था, और जब भी इसका कुछ मीठा खाने का मन होता है ना तो सबसे ज़्यादा ये केक ही बनाती है। थोड़ा सा पसंद भी ज़्यादा है दोनों बहन भाई को और सारी चीज़ें घर पर मिल जाती हैं। तो आज हम आटे और गुड़ का केक बनाने वाले हैं। तो एक जो पेड़ी रहती है गुड़ की वो ली है, उसको हल्का हल्का फोड़ लिया था, उसके बाद फिर आधी कटोरी पानी में गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है। और केक हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा बनता रहता है, वैसे मैं तो देखिए कभी भी नहीं बनाती हूँ, ज़्यादातर रितिका ही बनाती है और अच्छा बना लेती है। 2-3 दिन पहले बनाया था वो तो जल गया था, उसके बाद ही बस इसको ये था कि एक दिन फिर से बनाना है, क्योंकि कोई भी काम हमसे बिगड़ जाता है ना तो फिर हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी सी हो जाती है जब तक कि हम उसको ठीक से ना कर लें। जिस कटोरी से गुड़ लिया था उसी कटोरी से अभी आटा नाप लेते हैं। वैसे गुड़ तो देखिए एक साबुत पेड़ी ली थी जो डेली खाने के लिए आती है, लेकिन फोड़ने के बाद आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और ये एक कटोरी गेहूं का आटा है। और ये देखिए ये आज थाली मैंने बड़े ही अच्छे से साफ की है रेत और विनीगर डालकर। विनीगर से वैसे कासी के और ये बर्तन अच्छे से साफ हो जाते हैं, कभी कभार रेत से साफ करती हूँ मैं। बाकी कासी पीतल और ये तांबा ये सारी चीज़ें हैं ना रेत से ही ज़्यादा अच्छे से साफ होती हैं। और अभी मैं ये टोपिया और साफ़ करने वाली हूँ, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही काला हो रखा है। तो रितिका ने तब तक अपने केक बनाने के लिए जो सामान चाहिए सारा वो इकट्ठा कर लिया था, तो गुड़ अच्छे से पिघल गया। उसके बाद फिर इसमें हम 2-3 चम्मच घी की डाल देंगे, घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, बाकी हम तो हमेशा देसी घी ही डालते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गैस पर दूध गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो गुड़ में घी मिक्स करने के बाद फिर हमें डालना है ये गेहूं का आटा। आटे को अच्छे से मिक्स किया और फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालकर स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। आज मैंने आप सबके साथ पूरी रेसिपी शेयर की है गेहूं के आटे की, पहली बार हमारे घर में बनने जा रहा है। ज़्यादातर तो मैदा सूजी इन सब चीज़ों के बनाती रहती है ये, आज सोचा कि चलो आटे का बन रहा है तो आप सबके साथ भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आटा मिक्स कर दिया, उसके बाद फिर इसमें ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया, इससे केक का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। घर पर है तो डाल लें, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। और बस आटा मिल्क पाउडर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर एक पूरा इनोका सैसे डाल दिया, 2-3 चुटकी के आसपास ये खाने वाला मीठा सोडा डाला, और उसके बाद फिर डाली है ये 1 चम्मच दही। दही या नींबू का रस दोनों में से आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इनो मीठा सोडा इन सब चीज़ों के साथ हम नींबू या दही कुछ भी डालते हैं ना तो हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है, बैटर एकदम से ऐसा फ्लफी सा हो जाता है। तो बस अभी इसको इस कटोरे में डालकर ऊपर से थोड़े से बादाम डाल दिए हैं, और ये मैंने अपना पुराना कुकर निकाला है। टोपी वगैरह में हम बनाते हैं तो क्या है कि नीचे से जल जाता है, और ये मैंने ऐसे ही उठा कर रख रखा था, काफ़ी पुराना है, बल्कि हमारी शादी का है ये, पर मैंने अभी इसको बेचा तो है नहीं, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती इसीलिए उठाकर रख दिया था। तो ढक्कन लगाकर सीटी निकाल दी और 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाया था हमने, और इतनी देर में ही हमारा केक बनकर तैयार हो गया था। पूरी पूरी 35 मिनट लगी थी इस केक को बनने में, और ये देखिए केक हमारा कितना ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार हुआ है। और मेरा तो ये पुराना कुकर है तो इसमें मैंने जैसे नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था, बाकी जो डेली की चीज़ें रहती हैं जो हमें इस्तेमाल में लेनी रहती हैं उसमें आप थोड़ा बहुत नमक वगैरह स्टैंड कुछ रख कर फिर बनाएं, इसमें तो बस मैंने सीधा ही स्टैंड लगा दिया था। केक तो वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है, और बार बार में चेक ना करें, एक बार रखने के बाद कम से कम 30-35 मिनट के लिए ज़रूर पकाएं, क्योंकि बीच बीच में हम एक दो बार चेक कर लेते हैं तो हमारा केक फिर बीच में से बैठ जाता है, और इसके लिए हमें अलग से केक टिन वगैरह किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
सिंपल जो अपना स्टील का कटोरा या कटोरी कुछ भी घर पर हो उसी में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस केक हल्का सा ठंडा होने के बाद फिर झटपट बाहर निकाल लिया है, क्योंकि इतनी मेहनत करके बनाया है तो खाने की तो बच्चों को जल्दी रहती ही है। और ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद भी थोड़ी सी ज़्यादा आती, चाहे हम किसी भी चीज़ से बनाएं। बाकी केक के मामले में तो ये जो गुड़ और आटे का केक है ना, ये सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है और इतनी ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो केक हमारा तैयार हो गया है, बाकी का तो सारा काम रितिका ने ही किया था, बस मैंने तो कुकर में रखा था बनने के लिए और उसके बाद फिर मैंने अपना जो शाम का खाने का काम है वो देख लिया था। और भी घर में देखिए बहुत सारे काम रहते हैं। और ये देखिए केक हमारा कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। आप सबको आज का हमारा केक और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी केक तो हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पर चल रही है अभी खाना बनाने की तैयारी, नहीं बन चुका है पर बीच में आ गया है ये केक। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है। रोटी बढ़ गई मेरी, केक भी तैयार, खाना वाले भी तैयार, केक भी तैयार, खाना वाले भी तैयार। हाँ तो बस अभी ये दोनों बहन भाई तो बैठ गए हैं अपना केक लेकर और खाने के टाइम पर ही बनकर तैयार हुआ है। दोपहर को बना लें तो ये है कि खाना तो खा ले पर बच्चों का जो मन हो वही खाने को मिल जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।